हम बात कर रहे हैं IRB की। अगर आज के दिन की बात करें तो हमको छोटी मोटी गिरावट के साथ स्टॉक इस वक्त जो है हमको 42.25 रुपीज़ पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट की गिरावट के साथ इसमें भी हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी और स्टॉक ने सपोर्ट जोन से 34 के लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है हमको, तो ऊपर की ओर ही कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं 41 रुपीज़ से स्टॉक जो है 42 रुपीज़ के बिटवीन काफ़ी दिनों तक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेवल को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने हमको जम दिखाया था 43.50 तक का जो इसका रजिस्टेंस है। इससे पहले भी इसी लेवल से रिजेक्शन देखने के लिए मिला था, अगेन इसी लेवल से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। जब यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो हमने कहा था कि 42 रुपीज़ से स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है और हमने देखा बाउंस बैक हुआ और हमने टारगेट के तौर पर 44 के लेवल को डिस्कस किया था। स्टॉक ने 43.40 पैसे तक का जम दिखाया, वहाँ से अगेन रिजेक्शन, अपने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, उसी लेवल पर हमको रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। इमीडिएट टारगेट 42 का लेवल है, इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो ये जो लेवल है 44 का लेवल जिसको सपोर्ट बना के 41 का लेवल जिसको सपोर्ट बना के स्टॉक हमको काम करता हुआ नज़र आ रहा था और 40 का लेवल इसका तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन स्टॉक ऊपर की ओर कंसोलिडेट हो रहा है, बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा। हम देख सकते हैं जो पिलर्स यहाँ एंटर हुए वो यहाँ भी बने हुए हैं, इसी वजह से हमको बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिला। स्टॉक ऊपर की ओर ही हमको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। पहले जो स्टॉक 41 से 42 के बिटवीन नज़र आ रहा था, अब 42 से लेके 43.50 के बिटवीन हमको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की ओर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। अब स्टॉक जो है हो सकता है हमको 41 तक की गिरावट देखने के लिए मिले, स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है तो, ये और यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक होकर अपने इस हाई को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इमीडिएट टारगेट जो था अपना 44 का लेवल वही रहेगा, इमीडिएट टारगेट 44 तक के इसमें हमको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। इसको ब्रेकआउट कर गया तो ऐसी कंडीशन में 48 से लेके 50 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ही IRB हमको दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।